नमस्कार दोस्तों, ऑल फार्मिंग आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो के ज़रिए शहद के बिज़नेस के बारे में बताऊँगा और इस बिज़नेस में हमें खेती में होने वाले फ़ायदे के बारे में भी बताऊँगा, तो आप मेरा यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। वैसे तो शहद के गुण आयुर्वेद में बहुत गाए गए, लेकिन इसके अलावा यह शहद के दूसरे भी कई फायदे हैं। शहद इकट्ठा करने के लिए भारत में मधुमक्खी पालन प्राचीनतम परंपराओं में से एक रही है। देसी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में शहद की लोकप्रियता और मांग की वजह से मधुमक्खी पालन तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है, बल्कि मधुमक्खी पालन में होने वाली परागण का इस्तेमाल खेतों में करने से कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जेली आदि अतिरिक्त उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित होते हैं। पारंपरिक फसलों में लगातार हो रहे नुकसान के मद्देनजर किसानों का आकर्षण मधुमक्खी पालन की ओर लगातार बढ़ रहा है। तकरीबन 80% फसलीय पौधे क्रॉस परागण करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही प्रजाति के पौधे से परागण की जरूरत होती है, जो उन्हें बाह्य एजेंट के माध्यम से मिलता है। मधुमक्खी एक महत्वपूर्ण बाह्य एजेंट होता है। ऐसे किसान जो पेशेवर ढंग से मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, उन्हें एपिकल्चर यानी मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेने पर विचार करना चाहिए। आमतौर पर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कई हजार श्रमिक मक्खी और कुछ काटने वाली सैनिक मधुमक्खी होती है। मधुमक्खियों का समूह श्रम विभाजन और विभिन्न कार्यों के लिए विशेषज्ञों का उत्तम उदाहरण होता है। मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खियों की मोम ग्रंथि से निकलने वाले मोम से अपना घोंसला बनाते हैं, जिन्हें शहद का छत्ता कहा जाता है। मधुमक्खियां अपने कोष्ठक का इस्तेमाल अंडे सेने और भोजन इकट्ठा करने के लिए करती है। छत्ते के ऊपरी भाग का इस्तेमाल वो शहद जमा करने के लिए करती है। छत्ते के अंदर परागण इकट्ठा करने श्रमिक मधुमक्खियों और डंक मारने वाली मधुमक्खियों के अंडे सेने के कोष्ठक बने होते हैं। कुछ मधुमक्खियां खुले में अकेले छत्ते बनाती है, जबकि कुछ अन्य मधुमक्खियां अंधेरी जगहों पर कई छत्ते बनाती है। किसान इन मधुमक्खियों का इस्तेमाल परागण के लिए या उनसे अन्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन का कौन सा तरीका अपनाया जाए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह की मधुमक्खियां उपलब्ध है और किसान के पास किस तरह के कौशल एवं संसाधन की उपलब्धता है। अगर आपको मधुमक्खी पालन के बारे में ज्यादा जानना हो तो आप हमें कमेंट के जरिए सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस विषय पर ज्यादा पढ़ना हो तो आप हमारे ब्लॉग की भी मुलाकात ले सकते हैं। हमारा यह वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका शुक्रिया।